बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, रविंदर गुप्ता जी फॉर्मर मेयर हैं, उन्होंने लिखा कि हम बीजेपी के सारे सांसद, सातों के सातों सांसद, सब लोग कल सुबह आपसे आके सीलिंग के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे लगा कि यह अपना एक मौका है जिसमें हम सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे। उन्होंने चर्चा नहीं की, मैं गिड़गिड़ाता रहा उनके सामने हाथ जोड़ के कि भाई दिल्ली के लोगों का सवाल है, वो लोग चले गए जिसका मुझे बेहद दुख है। एक भी मैं बीजेपी वालों को, दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ कि 351 में से एक भी सड़क पे एक भी दुकान सील हुई हो तो मेरे को एड्रेस बता दो, मैं होके आऊँगा। ये वो 351 सड़कों का मुद्दा नहीं है ये सीलिंग का, लेकिन वो 351 सड़कों का भी समाधान निकाल रहे हैं हम लोग। 351 सड़कों पे उनका सर्वे करा के उनकी रिपोर्ट तीनों नगर निगमों को, दिल्ली सरकार को देनी थी, उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी कि ये कन्वर्जन चार्ज जीरो किए जाएं। इन पांच मांगों को लेके, और ये पांचों की पांचों मांग एलजी साहब कर सकते हैं या केंद्र सरकार कर सकती है, सब लोगों को पता है। इसकी मांग बार बार हम लोग कर रहे हैं, अगर एलजी साहब चाहते या केंद्र सरकार चाहती तो एक भी दुकान दिल्ली के अंदर सीलिंग नहीं होती। पहले दिन ही वो ये डिमांड्स पूरी कर सकते थे, उनके लिए ये 24 घंटे का काम है इसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन इतने सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई, इतने सारे लोगों की दुकान सीलिंग हो गई, ये बड़े दुख की बात है।